ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे में मैदान पर आया सूर्य कुमार यादव का तूफान। दोस्तों आपको बता दें कि सूर्य कुमार यादव ने तोड़ दिया युवराज सिंह का भी वर्ल्ड रिकॉर्ड और 6 गेंदों में जड़ दिए लगातार 6 छक्के। केवल इतनी ही गेंदों में जड़ दिए 50 रन और सबसे तेज अर्धशतक बनाकर बना दिया एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड। दोस्तों आप भी सूर्य कुमार यादव की इस धुआंधार बल्लेबाजी का पूरा वीडियो देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी को बता दिया जाए दोस्तों कि पहला वनडे भारतीय टीम ने 5 विकेट से जीता था मोहाली के मैदान पर, और जब दूसरा वनडे खेला गया तो दोस्तों दूसरा वनडे इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला गया, जिसमें टॉस जीत करके ऑस्ट्रेलिया ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, जिसमें शुभमन गिल ने दोस्तों ओपन करते हुए 104 रनों की विस्फोटक पारी खेल डाली। इन्हीं के साथ साथ दोस्तों श्रेयस अय्यर ने भी 105 रन बना डाले। ऐसे में दोनों बल्लेबाजों ने शतक ठोक दिया। उसके बाद दोस्तों कप्तान केएल राहुल का भी जलवा देखने को मिला। कप्तान केएल राहुल ने भी दोस्तों अर्धशतकीय पारी खेली। उसके बाद दोस्तों मैदान पर आया सूर्य कुमार यादव का तूफान। दोस्तों सूर्य कुमार यादव ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे में सबसे तेज अर्धशतक बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। दोस्तों सूर्य कुमार यादव ने मात्र 24 गेंदों का सामना करते हुए 5 गगनचुंबी चौकों के साथ साथ 5 गगनचुंबी छक्के लगा दिए और 54 रनों की पारी विस्फोटक पारी के साथ साथ दोस्तों आपको बता दें कि 76 रन स्कोर बोर्ड पे लगा दिए। ऐसे में दोस्तों भारतीय टीम ने इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए 399 रन बनाए और ऑस्ट्रेलियाई टीम को 400 रनों का टारगेट दिया। तो दोस्तों बताइएगा कमेंट करके जरूर कि सूर्य कुमार यादव ने कैसी धुआंधार पारी खेली, कमेंट जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।